Hi everyone, hope you all are doing great. I'm Anshuman Kumar. Welcome back to the channel. आज के वीडियो में इन दो स्मार्टफोन के कैमरा का कंपैरिजन कर रहे हैं. लेफ्ट में है मेरे पास OnePlus Nord 2 T5G और राइट में है मेरे पास Realme का 10 Pro Plus 5G. इसका सारा डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा. वीडियो परफॉर्मेंस, फोटो परफॉर्मेंस, नाइट में, ड्यूरिंग द डे क्या डिफरेंस आ रहा है, वो सारा डिटेल्स कमिंग अप इन दिस वीडियो. यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे एक स्पेसिफिकेशन का शीट डाल दे रहा हूँ, तो दोनों में आप फर्क देख सकते हो दैट दोनों के मेन कैमरा में या अल्ट्रा वाइड में या फिर इसका जो सेल्फी कैमरा है, इन दोनों में स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, अपर्चर क्या क्या डिफरेंस है, वीडियो रिजोल्यूशन यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है आपसे, प्लस मेगापिक्सल काउंट कितना है डिफरेंट डिफरेंट कैमराज का वो भी डाल दे रहा हूँ, और हमारे पास इसमें OIS या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन किस में मिलता है वो सारा डिटेल डाल देता हूँ. यहाँ पे आप उसको पॉज करके एक बार चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. सो दोनों कैमरा का साइड बाय साइड कंपैरिजन फोटोग्राफी के हिसाब से देखते हैं. आप देखो रियलमी में थोड़ा सा कलर को ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, जो ब्लू वगैरह है वो ब्लूइश ज़्यादा लग रहा है मुझे, और सैचुरेशन भी थोड़ा इन्हांस्ड है, वार्मर साइड पर करा है थोड़े से जो कलर्स हैं. तो अगर आपको इस तरह का पिक्चर्स है पसंद आता है जहाँ पे कलरफुल ज़्यादा हो, थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा हो, तो हो सकता है आपको रियलमी का पसंद आएगा. वहीं वन प्लस में जो कलर्स है वो काफ़ी नेचुरल है और क्लोज टू जो एक्चुअल दिख रहा था वैसा है. नाउ डार्क एरियाज़ में भी आप देखोगे तो रियलमी में थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोजर को बढ़ा रहा है, तो रियलमी का वो एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा. यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग है वो मुझे यहाँ वन प्लस का बेटर लग रहा है, बाकी शार्पनेस वगैरह में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं. जो वाइट्स हैं उसको देखोगे आप, रियलमी थोड़ा सा ब्लूइश टर्न कर रहा है. तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे वन प्लस का जो मेन कैमरा है उसका फोटोग्राफी के हिसाब से परफॉर्मेंस बेटर लगा. तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा जो फ़ोन में है बैक साइड पे, दोनों को हम एक कंपेयर करके देखते हैं पिक्चर. तो ड्यूरिंग द डे लाइट अगेन आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट वो रियलमी का वार्मर साइड पर है, थोड़ा सा कलर सैचुरेटेड है, जो ब्लू है वो थोड़ा सा उसको ब्लूइश ज़्यादा करा है और वार्म थोड़ा पिक्चर को करा हुआ है. तो एक अगर आपको बहुत नेचुरल कलर्स पसंद हैं फोटोज़ में तो आपको वन प्लस का पसंद आएगा. हाउएवर अल्ट्रा वाइड कैमरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिटेल्स वगैरह दोनों में अच्छे कैप्चर हो रहे हैं. सो दोस्तों साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ. लेफ्ट में मेरे पास है वन प्लस का Nord 2T 5G और राइट में है रियलमी का 10 Pro Plus 5G. सेल्फी कैमरा है, दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं साइड बाय साइड. जो वन प्लस का कैमरा है दैट इज़ 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और जो रियलमी का है वो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दोनों का मैंने ऑफ़ किया हुआ है और अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन रिकॉर्ड नहीं करा है, तो वॉइस आप चेक कर सकते हो राइट नाउ फ्रॉम वन प्लस में वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है. नाउ यू कैन चेक वॉइस रिकॉर्डिंग गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन रियलमी. तो रियलमी के वॉइस जो फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसको मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, ये भी आप चेक करो. नाउ वन प्लस से वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप चेक करो, कलर्स वगैरह कैसा आ रहा है, स्टेबलाइजेशन रेगुलर विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दोनों में कितना फ़र्क है वो भी आपको साइड बाई साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अभी दोनों कैमरा के इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को मैंने ऑन कर दिया है, हम टेस्ट करेंगे वॉक करके कि स्टेबलाइजेशन किस में बेटर आ रहा है. एनीवे रिजोल्यूशन वगैरह भी आप चेक कर सकते हो विद स्टेबलाइजेशन. नाउ दोनों कैमरा में जो फ्रंट कैमरा है उसमें हमारे पास ओनली फुल HD है, 4K का ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, मेगापिक्सल का डिफरेंस है दैट इज़ देयर. नाउ द डिफरेंस विल कम ऑन द स्टेबलाइजेशन, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. ओके नाउ टेस्टिंग 4K रिजोल्यूशन फ्रॉम बैक कैमरा. जो रियलमी का है बैक कैमरा वो 108 मेगापिक्सल का है, जो हमारे पास वन प्लस का कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, और 4K में हमारे पास सिर्फ 30 FPS का ऑप्शन है. तो दिस इज़ स्टैंडर्ड वीडियो, जब हम खड़े होकर एक जगह वीडियो निकाल रहे हैं, सनसेट चल रहा है तो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, तो दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. तो 4K 30 FPS दोनों में हमारे पास 60 FPS का 4K में ऑप्शन नहीं है, और फुल HD में वो ऑप्शन है, वो भी अभी हम टेस्ट करेंगे. बट एज ऑफ नाउ 4K 30 FPS AI मैंने ऑफ करा हुआ है, जो स्टैंडर्ड वीडियो निकल के आएगा वो आप देख लो. मेन कैमरा दोनों का इसको टर्न करके भी एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वीडियो निकालते हैं दोनों से 4K में लेफ्ट और राइट में.
मेन कैमरा से अभी शूट कर रहा हूँ, वन प्लस का 50 मेगापिक्सल का है, रियल मी प्रो 10 प्रो का, 10 प्रो प्लस का हमारा 108 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। अगेन वॉइस इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड विथ डायरेक्टली फ्रॉम फ़ोन, कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है। तो यहाँ पे वॉक करते हैं 60 FPS पे। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन अभी मैंने ऑन नहीं करा है, तो प्रोबेबली OIS से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं फुल HD 30 FPS। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मैंने अभी ऑन करा है दोनों कैमरा का। सो लेफ्ट में हमारे पास है वन प्लस, राइट में रियलमी 10 प्रो प्लस 5G। दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सो कंपेयर कर रहे हैं, अगेन लेफ्ट में हमारे पास वन प्लस है, राइट में रियलमी है हमारे पास, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि दोनों में हमारे पास 8 मेगापिक्सल का मिलता है। फुल HD 30 FPS हमारे पास ऑप्शन है दोनों में, और स्टेबलाइजेशन ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक वो अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं जो स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ जो व्यू है, एंगल व्यू, दैट इज़ वन प्लस का लिटिल वाइडर। सो वॉक करके चेक करते हैं कितना स्टेबलाइजेशन है दोनों में। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बैक साइड में जो है उसको टेस्ट कर रहे हैं, फुल HD 30 FPS। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जो सुपर स्टडी मोड है उसका ऑप्शन नहीं है अल्ट्रा वाइड कैमरा में। इसको अभी मैं अपनी तरफ टर्न करता हूँ। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है बैक साइड में, और दोनों के साथ थोड़ा फास्ट वॉक करके देखते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसा है। टर्न अराउंड, लाइट भी थोड़ी सी कम हो रही है अब, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम, तो परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा दोनों सेंसर का, कैमरा का। वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, F4 रखा है मैंने जो ब्लर मोड आता है हमारे सेल्फी कैमरा में। दोनों का सेल्फी कैमरा साइड बाय साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन दोनों में ऑन करा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा मूव करके ब्लर मोड को टेस्ट करेंगे, कैसा है दोनों के बीच में ब्लर मोड का कंपैरिजन। आप मुझे बताओ किसका नेचुरल लग रहा है, क्यों फुल HD पे रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p एट 30 FPS, दैट इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल इन बोथ द कैमरा, जो हमारा सेल्फी कैमरा है। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। स्टेबलाइजेशन भी ऑन करा हुआ है मैंने, सुपर स्टडी मोड जो हमारा अवेलेबल है फ्रंट कैमरा में। तो उन दोनों को यहाँ पे हम चेक करते हैं। काफ़ी अंधेरा है और वी कैन सी बैक साइड में लाइट है, बट सामने अगर आप देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डार्क। सो नाउ रिकॉर्डिंग 4K नाइट कंडीशन में। आप देख सकते हो दोनों के रिजोल्यूशन में और डिटेल्स में कितना फ़र्क है। 4K 30 FPS में दोनों रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे काफ़ी डार्क सिचुएशन है। तो जो वन प्लस का है ऑब्वियसली उसका हमने स्टेबलाइजेशन चेक करा हुआ है ड्यूरिंग द डे, बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्लैरिटी वाइज, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी, डार्क है सिचुएशन, थोड़े क्लाउड्स भी है बैकग्राउंड में, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है, रेड वगैरह है, और इधर बिल्डिंग्स है। सो वी विल सी दैट 4K का जो 30 FPS का परफॉर्मेंस नाइट कंडीशन में किस में बेटर आ रहा है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। साइड बाय साइड अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p फुल HD पे और 30 FPS। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को मैंने ऑन नहीं करा है। सो दोनों कैमरा में यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कलर का डिफरेंस, स्काई में कितना ब्राइटनेस वगैरह आ रहा है, बिकॉज मैं डार्क सिचुएशन में शूट कर रहा हूँ। आप सामने देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे मल्टी कलर स्विंग वगैरह है, तो वहाँ पे रिलेटिवली आपको कंपैरिजन पता चलेगा। अभी हम चेक करेंगे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो 8 मेगापिक्सल का दोनों बैक साइड में अल्ट्रा मेगापिक्सल कैमरा है। स्काई है, स्काई का क्लैरिटी, बिल्डिंग्स में लाइट आ रही है। तो 30 FPS अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फुल HD, सुपर स्टडी का ऑप्शन हमें इसमें नहीं मिलता है। ओवरऑल देखो, अगर आप सेल्फी कैमरा से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रियलमी का सेल्फ़ी कैमरा है वीडियो परफॉर्मेंस के लिए वो थोड़ा मुझे बेटर लगा, बिकॉज थोड़ा सा वाइडर है, प्लस उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है दैट इज़ लिटिल बेटर कम्पेयर टू वन प्लस। बट अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हो सेल्फ़ी कैमरा से, तो वन प्लस में थोड़े नेचुरल कलर्स हैं और उसकी जो शार्पनेस वगैरह डिटेल्स है वो थोड़ा सा बेटर है। तो दोस्तों, मेन कैमरा जो है वो मुझे वन प्लस का बेटर लगा कंपेयर टू रियलमी, बिकॉज वन प्लस का जो है वो एक हमारे पास OIS मिलता है, उसका कलर जो परफॉर्मेंस आ रहा है आप कंपेयर कर सकते हो, दैट कलर्स वगैरह काफ़ी नेचुरल आ रहे हैं उसमें।
वीडियोस बना रहे हो आप 4K में मूव करते हुए, वहाँ पे OIS मिलता है तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है हर फॉर्मेट में इन मेन कैमरा, चाहे वो ड्यूरिंग द डे हो या नाइट हो। नाउ अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है वो मुझे कहीं ना कहीं रियलमी का थोड़ा सा बेटर लगा, बिकॉज है तो दोनों 8 मेगापिक्सल और काफ़ी दोनों का एवरेज परफॉर्मेंस है, बट इफ़ यू कंपेयर तो 8 मेगापिक्सल में हमें अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा बेटर मिलता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन उसमें थोड़ा मुझे अल्ट्रा वाइड रियलमी का बेटर लगा वन प्लस से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, अपना फीडबैक या कमेंट शेयर करते हो, दैट इज़ अ मोटिवेशन टू क्रिएट न्यू वीडियोज एंड रेलिवेंट वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। सो डू शेयर योर कमेंट्स, फीडबैक, थॉट्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय, सी यू सून।